साथ वाले फार्म हाउस में पुलिस आई थी। पुलिस? उनकी नौकरानी किसी लड़के को फंसा रही थी, पकड़ के ले गई पुलिस। तुमने निका नामा उसके मुंह पर मारना था। मैं क्या करती, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अच्छा ये बताओ निका नामा कहाँ है? अम्मी के पास है। वेरी गुड, मैंने बात की SHO से, कोई पर्चा नहीं कटा, उसे ऐसी कार्रवाई की है। मरी पहुँच कर तुम उसे तलाक भिजवा दोगे। बाबा साहब, जो लड़की हवालात में एक रात को साड़ ले वो तुम्हारे निकाह में नहीं हो सकती। लगता है जुल्फी जुगनू को छोड़ के चला गया। ए थाने वाले तो न जाने क्या क्या हशर करते लड़कियों के साथ। अरे जाने दो खाला, किशो तुम्हारी दिमाग। जब किसी गरीब लड़की की शादी अपने ख्वाबों के शहजादे से होती है ना, तो जिंदगी फूलों की सेज की तरह नहीं होती अम्मा, बड़ा होशियार रहना पड़ता है। तू तो बड़ी होशियार हो गई है अम्मा। ठीक है ना बता, लेकर अपने उस बुढ़े बुद्धे को बता देना कि जहाँ मर्जी छुट्टा ढूंढ के निकाल लूंगी मैं। अरे जा, बड़ी आई ढूंढ के निकालने वाली। कह रही थी कि सकून का सांस नहीं लेने देगी आपको। हम क्या दे रही थी उसकी ये मजाल। उसने बख्शी जी को फोन करके धमकी दी है कि वो मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। वो आजाद हो गए? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। मामला उस वक्त तक नहीं सिमटेगा जब तक उस लड़की को तलाक नहीं होती। और अगर तलाक दिए बगैर ये काम हो जाए तो? वो कैसे? वो मर भी तो सकती है। जाने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? नहीं तो? कि मुझे ऐसा ही लगता है। नहीं वो एक्चुअली बात सिर्फ इतनी है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। तो कौन सा कोई अभी हो रही है? लेकिन आप तो हो रही है ना। Mom's never gonna let that happen. वो चाहती है मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं पहले। बाबा साहब बहुत जिद्दी हैं। मामा से फिर भी कम ही होंगे। अच्छा मैं आपसे एक्चुअली एक बात कहना चाहता था। जी कहिए। आपको कोई और तो नहीं पसंद हो गई? क्या मतलब? कराची हादसों का शहर, कभी भी कहीं भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता। टोनी माय बॉय, तनवीर तनवीर। अब हादसों में तो रोजाना लोग मरते हैं, मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया। Let's arrange an accident. तनवीर। क्या हुआ है आयशा, सब ठीक तो है? वो स्पीक अप गर्ल, क्या हुआ है? जुल्फी का फोन आया है। हाँ तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। What? फिर आ गई खोटे सिक्के की तरह वापस। आप कहते हैं तो वापस चली जाती हूँ। और किस जुबान में कहूँ, हजार बार तो कह चुका हूँ, चली जाओ। अब के गई ना तो वापस नहीं आऊंगी। मत आना और उस जुगनू की तरह जेल जाना। अरे कोई जेल वेल नहीं गई जुगनू, ससुराल में ऐश कर रही है।
लोग जेल को ससुराल कहते हैं, लेकिन वो तो बड़े लीडर होते हैं। जुगनू जैसों को तो सी क्लास मिलती है। अच्छा है, दोनों खाला और भांजी एक ही जगह रहेंगे। ये कौन सा जेल से कम है? क्या कहा, क्या कहा? तुम ठीक हो? Yes, yes, Papa, I'm fine. मसाला? मैं तो we're fine, Papa. मैं तो आयशा भाभी को कहा भी था आपको मत बताएं बेला वजह उन्होंने। ये हुआ कैसे? कुछ भी नहीं, ये तो इतना छोटा सा एक्सीडेंट था, आप लोग हम ही परेशान हो रहे। क्यों जुल्फी? बिल्कुल हाँ, I don't know what happened, Papa साहब। मैंने तो ब्रेक भी लगाई थी, I think रोड थोड़ी स्लिपरी थी शायद। The car slipped or something. Brake नहीं लगी? Brake क्यों नहीं लगी? इतने driver रखे हुए, इतना staff है, वो क्या मुफ्त की रोटियां खाते हैं सारा? गाड़ी check क्यों नहीं करवा के रखते? बाबू साहब accident था, हो गया, ठीक है, शुक्र करें दोनों ठीक है। Thank God, my boy. चलें, तुम लोग चलो। अरे कुछ नहीं हुआ। Come, come. Head inside. Oh, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। तो इसमें हर्ज भी क्या है? दूंगा है कोनी, ओ जाओगी लुढ़कती हुई। दो घड़ी सुकून नहीं है इस घर में। रो और रो, अपने सगों को रो। सगा मरा है तुम्हारा आज कोई। अंदर जाके रहो। अल्लाह का शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। गाड़ी तो समझे जान का सदका निकल गया। हैरत की बात है, ना तो रोड स्लिप रही थी और ना ही बारिश हो रही थी। आंटी एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स का कोई लॉजिक नहीं होता। मगर मेरे ख्याल में तो एक्सीडेंट्स का जरूर कोई गहरा लॉजिक होता है, और बाज़ोखा तो इतनी गहरी कि हम समझ भी नहीं पाते। ठीक कह रही हैं पार्टी, हादसों की बाकी बहुत गहरी लॉजिक होती है, और कभी कभी तो इंसान खुद जानबूझकर हादसों का शिकार होना चाहता है। वो आपके दोस्त है ना जो डॉक्टर, डॉक्टर सादी, उनका फोन आया था। अच्छा, कब? खालिबन शाम को। हाँ शाम को फोन आया था। बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। आयशा ने बहुत इसरार किया था, इसीलिए मैं चली आई। लगता है आप काफी दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने आयशा को कहा था कि आपको बुला ले। अच्छा, कोई खास बात थी? बात भी कर लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ लॉन में चलकर कावा पिएं। Enjoy the view of the valley. It's beautiful. जी जी, जरूर आइए। Children, you enjoy yourselves here and हम बड़े बाहर बात करते हैं, ठीक है? Behave yourself. तो फिर आप दोनों के लिए कुछ बनाऊं? कॉफी, कहवा, एनीथिंग? कॉफी? नो थैंक यू। आर यू श्योर? अच्छा। भाभी, यू आर लाइक फैमिली। आपसे तो एक रिश्ता है। आयशा इज अ गुड गर्ल, माशाल्लाह। मैं चाह रहा था कि यू अलाउ मी टू से दिस कि गजाला भी हमारी फैमिली में आ जाए। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। खुशकिस्मती तो हमारी होगी,
आप प्लीज बैठें। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? जुल्फी, कराची में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो एक नाखुशगवार वाकया हो गया। कैसा वाकया? वो एक लड़की उसके पीछे पड़ गई, अजीब सी, सेवन टाइप्स, और एक ये लोफर बदमाश किस्म का स्काउंडरल उसके साथ मिलकर उन्होंने एक जाली निकाह नामा बनवा लिया। ओह माय गॉड, निकाह नामा? अरे भाई शाहजहान, तुम्हारी लाडो की क्या खबरें हैं? खैर से कब आ रही है लड़ भिड़ के घर वापस? अल्लाह ना करे आपा, अल्लाह ताला मेरी बेटी का घर हमेशा बसाए रखे। आपा शाहजहां, बसने के लिए शौहर की गिरी पड़ी सुननी पड़ती है हमारी तरह। एक वो तुम्हारी कट्टो है, उनकी जबान तो कैंची से भी तेज चलती है। ए भाई, खालाओं में परवरिश पाई है तो अपनी तरबियत का फैज उठाया। मुझे तो लग रहा है कि बेटी जाते जाते अपनी बदजबानी माँ को तोहफे में दे गई। सुन रही हो किशो? सुना। ए इनकी कट्टो लड़े तो कोई किस्सा कहानी हो, कोई मजा भी आए। बाकी भी तू पी ले। जरा सी बात पे आग लग जाती है इसे तो। ये तो बहुत बुरा हुआ। यकीनन बहुत बुरा हुआ, लेकिन ज़ुल्फी बहुत डिस्टर्ब्ड है सारी सूरत हाल से, एंड ही इज अफ्रेड कि ये बात गजाला को मालूम ना हो जाए। आप मुझ पे एतबार कर सकते हैं, मैं गजाला को ये बात मालूम नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अमीर लड़कों की जिंदगी में अक्सर इस किस्म के वाकयात रोनुमा हो जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। मेरे सीने पे जो बोझ था वो उतर गया। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं कि आप बात को समझ गई। मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों की शादी फौरन कर दें, यहीं पर। मैंने तो आपकी बात समझ ली, मगर मैं बेटी की माँ हूं। मैंने बात समझ भी ली और सुन भी ली, ठीक है, मगर जब तक वो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हेलो। हाँ जी, काम हो गया, दो गोलियां मारी है। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है, बख्शी जी से अपने कबूतर ले लो। ओके। कब तक? जब तक आप उस लड़की को तलाक नहीं दिलवा देते। भाभी, फॉर गॉड सेक, वो एक जाली निकाह नाम है। भाई साहब, ज़ुल्फ़ी एक साहिबे जायदाद लड़का है, और ऐसे लड़कों के जाली निकाह नामे मसाइल खड़े कर सकते हैं कल को। बस आप उस लड़की को तलाक दिलवा दीजिए, मैं गजाला के इल्म में कुछ भी नहीं आने दूंगी। अब वो दरअसल वो लड़की है। वो लड़की मर चुकी है। सॉरी, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, पर आंटी आपके सारे अंदेशों का जवाब ये है कि वो लड़की मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? बख्शी जी ने बताया। आज सुबह कराची में एक बस स्टॉप पर चंद नामालूम अफराद ने फायरिंग की और वो मर गई। तो कातिल कौन थे? आंटी, कराची में कातिल का नाम किसको मालूम, और वैसे भी ऐसे हादसा तो होते रहते हैं। हाँ, ये वहाँ होता रहता है। तो फिर अब आपकी तरफ से डील। भाई साहब, बहरहाल वो आपकी बहू थी, कम से कम आप फातिहा तो पढ़ ले। Yes, it's it.
वेरी सैड न्यूज। फातिहा फातिहा पढ़ने बिल्कुल अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। कहना क्या चाह रहे हैं जुल्फी? जुगनू को चंद नामालूम अफराद ने आज हलाक कर दिया। आपा शाहजहां, क्या बात है किशो, आज गई नहीं? नहीं आपा, आज नहीं जाऊंगी। जब तक रफीक खुद नहीं मनाने आते तब तक नहीं जाऊंगी। इस भूल में नहीं रहे ना, अरे मर्द कभी नहीं मनाने आते। क्यों नहीं मनाने आते? ये क्या बात हुई? अपनी जुगनू को ही देख लो, उसके पीछे तो मर्द लोटन कबूतर की तरह फिर रहे हैं। कुछ ना पूछ किशो, अरे उस लड़की के लिए तो कितना दिल उड़ा रहता है मेरा, बस उसके लिए तो दुआ ही दुआ है। हाँ भाई, मजे भी तो हैं, लोग तो एक ही के साथ निभा करते रहते हैं और अपनी जुगनू तो दूसरे को भी टपकाने की फिक्र में है। अरे तौबा कर किशो, तौबा, अल्लाह ना करे कि कोई उस तरह मजे करे। मेरी बच्ची तो बहुत बहादुर और बा हौसला है, ये बहुत हिम्मत से वो हालात का मुकाबला कर रही है। ए आपा शाहजहां, क्या हालात हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस बहुत खुश है, मजे में है। मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ यार। तो फिर जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें इस तरह छोड़ के चले जाते? कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने क्या किया जुगनू तुम्हारे साथ? क्या किया? खतरे से बाहर है अब, बात हुई किसी से? जी, जो नंबर पर्स से मिला था उसमें तो कोई फोन नहीं उठा रहा। कंडीशन स्टेबल है अब, लेकिन पुलिस केस है। होश में आती है तो पूछ-गछ करके इसको निकालें यहाँ से बाहर। पता नहीं क्यों ले आए हैं यहाँ पे इसे, पेमेंट भी पता नहीं इसकी होगी कि नहीं होगी। जी मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल कैसे आई? तुम पर किसी ने फायर किया था। मुझे किसी ने मारने की कोशिश की? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, थोड़ी सी चोट लगी, एक दो दिन में ठीक हो जाओगी। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, घर कहाँ है तुम्हारा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो क्या मुसीबत है, जब घर नहीं था तो कहाँ से आ गई तुम? मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मेरा सर फट रहा है। अच्छा चलो, शुक्र अदा करो अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली। लगता है कि कोई काम लेना है अल्लाह ने तुमसे, तुम आराम करो। मैं
तो लेना है। उस मोटे पेट वाले भूत ने बाबा साहब को सबक सिखाने हैं मुझे। हाँ भाई, शाहजहां से क्या खबर लाई उनके लाडो की? पूछा तो सही, कहने लगी बड़ी साबिर है, बड़ी बहादुर है। साबिर ये भी खूब कही भैया, लेकिन कोई बात है तो सही, कोई तो गुण है। जब ही तो जुगनू इतने अमीर जादे को यू बगल में लिए घूम रही है। अरे भैया, ये तो शाहजहां का ही कहना है ना। भाई हमने तो बदजबान लड़कियों की हमेशा दुर्गत बनते देखी है, अब अपने को ही देख लो, दो दिन से यहाँ बैठी हूँ। तो और क्या करूँ, मालूम है तुम्हें इतना शर्मिंदा किया रफीक ने मुझे, कहा दो दिन ना रख सके तुम्हारे घर वाले। भाई घर वालों ने? घर वाले किसे कहा तुम्हारे मियाँ जानी ने? भाई यहाँ तो एक मैं बुढ़िया रहती हूँ, शुगर की मरीजा, और एक वो बावली शाहजहां। लोग तो तुम ही को मेरा मैका समझते हैं ना। हाँ भैया, बात तो सही कही तुमने। तुम वहां से उठकर क्यों चले गए थे? मूड ऑफ हो गया था मेरा, और आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मिलकर मेरे साथ। और जुगनू बेचारी पे क्या गुजरी होगी, देखो जुल्फी, जिंदगी बहुत अजीब चीज होती है। पता है मुझे, आज तुमने कोशिश की गाड़ी मारने की। कोशिश की मैंने? छोड़ो, इस बात का इसमें कोई फायदा नहीं है, मगर अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो बिल्कुल ही खाली हाथ हो जाते। कहना क्या चाह रहे हैं जुल्फी? जुगनू को चंद नामालूम अफराद ने आज हलाक कर लिया। मैं नहीं मानता, you're lying to me again, aren't you? झूठ बोल रहे हैं आप फिर। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो कल की अखबार पढ़ लेना। बड़ा अफसोस है। देखो ये पुलिस केस है, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम्हें कुछ तो याद होगा। कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ रहती थी, कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे पर्स से एक फोन नंबर मिला था, हमने उस पे कॉल की लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, पता नहीं भाई, कोई शिनाख्ती कार्ड तो होगा। खैर हो जाता है, कभी कभी शौक में इंसान की याददाश्त मुतासिर हो जाती है। तुम ठीक हो जाओगी एक दो दिन में, परेशान मत हो। भैया तुम्हारी नर्स वहां से गुजरी है। तो ये कभी उसको भी टाइम दे दिया करो, जहां खूबसूरत लड़की देखी वहीं बातें मिलाना शुरू। खाओ भैया। हाँ,
के सूखे बिस्कुट खाती रहूंगी, खाना कब मिलेगा? सोहेल भैया भैया, अब क्या है? मैं सुधर गई, उधर नहीं। और मनहूस शक्ल बना के गया, डॉक्टर वाला कम और पुलिस वाला ज्यादा लगता है, हर वक्त उल्टे सीधे सवाल पूछता रहता है। कहीं नहीं जा रहा मैं, आप लग जाए। देखो जुल्फी, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। काश मैं भी मर जाता जिगरों के साथ। खुदा ना करे, खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे जुल्फी, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। मैं इस मामले में तुम्हारे से कोई खास बात तो नहीं कर सकता, ये तुम्हारा जाती मामला है। अल्लाह की मर्जी से अगर वो मर गई है तो क्या कर सकते, अल्लाह की रजा को तो कोई टाल नहीं सकता। तुम भी मान जाओ, तुम्हें तो खुशी नहीं मिल सकी, पर तुम बाबा साहब को तो खुशी दे सकते हो। कह रहा मान लेता हूं मैं। हाँ यही ठीक रहेगा, जाने वाली तो चली गई। आप लोग प्लीज जाए, मैं आता हूं। ठीक, मरना ही पड़ेगा बाबा साहब। देखो बड़ी अच्छी जगह चुनी है आपने, अब खुद बताएं, इस पत्थर से सर फोड़ूं या सीधा सीधा धक्का दे दूं? पापा चाय पी लो। आए अपनी लड़की की भी कुछ खैरियत पूछी कि किस हाल में है? बचपन से लड़कों की तरह पलबड़ के बड़ी हुई है वो, अरे पहुंच जाएगी तो खुद ही फोन कर देगी। अरे भैया बड़ा जिगर है तेरा,
अरे तेरे हौसले पे तो फांती फिरती है वो, अब और क्या कहूं। आपा, जिसका और कोई नहीं होता ना इस दुनिया में, उसका अल्लाह होता है। सच्ची बात तो बर्दाश्त ही नहीं होती इससे। आज की शोकम बखत भी नहीं आई, लगता है उसके घर में सुकून है। ओके डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ, हाफिज़। ओके हाफिज़। मैं पूछना चाह रही थी कि वो नई पेशेंट का क्या करना है। क्या करना है? मैं डॉक्टर ना होता ना तो एक गोली मैं मार देता उसे। ओके हाफिज़। हाफिज़। दैट्स माय बॉय। तुमने तो कमाल कर दिया टोनी, आई मीन तनवीर। बस बाबा साहब, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वाकई मार दिया था। जी बाबा साहब, क्यों नहीं मानना था? नहीं, सही किया तुमने, इट्स द राइट थिंग। वैसे भी कराची के हालात में एक शख्स का कत्ल कोई मान ही नहीं रखता, कोई और शहर होता तो तूफान मच जाएगा। जी बाबा साहब, लेकिन जुल्फी की हालत जरा बुरी है और मुझे डर लग रहा है कहीं गजाला को शक ना हो जाए। जुल्फी, तुम ऐसा करो, जुल्फी के बारे में मशहूर कर दो कि वो बीमार है और वो तुम्हारा दोस्त व्हाट्स नेम है डॉक्टर सादी, उसको बुला लो, अजाला को शक नहीं होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सादी तो वैसे ही आना चाह रहा था, उसके आने से आपकी बात में वजन भी पैदा हो जाएगा और अजाला को शक भी नहीं होगा। Yeah, that's right. हाँ, बाबा साहब आप खुश नहीं है? किसी को मारकर इंसान खुश तो नहीं होता। लड़ी मासी चुड़ैल बहुत खुद सर थी, लेकिन एक तकलीफ तो है दिल में, आखिर वो भी इंसान। इंसान? बाबा साहब, ऐसी औरत को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन। आपको तो शुक्र करना चाहिए जुल्फी की जान छुटी। हाँ, जान छुटी। कौन? ओह सॉरी डार्लिंग। हाँ नहीं नहीं, भाई की तो जान छुड़ा ली, बाबा की जान कौन छुड़ाएगा। वो जुल्फी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। स्ट्रेस्ड है, शायद एक्सीडेंट का कोई आफ्टर इफेक्ट है। मगर एक्सीडेंट इतना बुरा तो नहीं था, तो फिर किस बात का स्ट्रेस? बस दरअसल लड़के बहुत केयरिंग होते हैं, उसे लगा होगा कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हाँ, और छोटा भी तो है। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसका? जी, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तनवीर के, हु इज अ डॉक्टर, उनका अपना हॉस्पिटल भी है, उन्हीं से कहेंगे कि वो आके इलाज कर दें। मगर ये तो साइकाइट्रिस्ट का काम है, वो तो फिजिशियन है। मगर खैर, घर के फर्ज की तरह है तो बेहतरी तो होगी इसमें कोई ना कोई। हाँ हाँ, डॉक्टर को पहले डिसाइड कर लेने दो, अक्सर स्ट्रेस के पेशेंट्स को तनहा रखा जाता है। सॉरी यार, कॉल बैक नहीं कर सका, जरा बिजी था। कैसे हो? अरे यार कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यार वक्त निकालना पड़ता है। तुम तो लकी हो, जब दिल किया काम छोड़ के निकल पड़े। हाँ वो तो है, तुम भी कोशिश करके फौरन निकलो। हाँ इस दफा लंदन का प्लान भी नहीं बना, छुट्टी ओवरड्यू है ना। फिर तो फौरन निकल आओ, और हो सकता है तुम्हारे होते हुए जुल्फी की शादी भी हो जाए। रियली? यार ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ पर एक बुरी खबर भी है साथ में। जुल्फी जरा डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? हाँ तुम आ जाओ तो आराम से मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। अरे यार मैं तो फौरन आ जाऊँ, लेकिन वो एक पुलिस केस आया हुआ है, पेशेंट का मेमोरी लॉस है और बयान भी नहीं हुआ अभी तक, उसकी वजह से फंसा हूँ। ये तो चलता ही रहता है, तुम बस आ जाओ। हाँ मेरा ख्याल है अब कुछ करना पड़ेगा,
मैं आता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके, आई ट्राई। थैंक यू। Hello. Hello. इतने से एक्सीडेंट कितना ज्यादा स्ट्रेस? नहीं यार, I just wanted to be by myself. Oh come on, Zulfi. लेकिन इसी तरह छोटी छोटी बातों पर इतने स्ट्रेस हो जाते हो, बहुत अजीब बात है। मैं ऐसा ही हूँ। और तुम्हें क्या पता कितनी बड़ी बात है? शुक्र करो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स से कि कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में जस्ट टेस्ट आउट, ओके? हाँ, ठीक हो गया सब, और इंशाल्लाह ठीक हो भी जाएगा। तुम घूमो फिरो जाके, डोंट स्पॉइल योर वेकेशन बिकॉज़ ऑफ मी। तो तुम भी साथ आओ। नहीं यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मैं तो आयशा भाभी को भी कहा था मुझे तन्हा रहने दें। हाँ, उन्होंने मना किया था, मगर मैं फिर भी आ गई। काफी बिजी थी वो लोग, वो कह रहे थे उनके कोई कराची से कोई मेहमान आए हुए है, पता नहीं कोई डॉक्टर साहब ख्याल से। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट वेल सून। आई विल। ओके, बाय बाय। नॉक नॉक। तुम जिंदा? हाँ मैं जिंदा हूँ, और आपको मारने के लिए जिंदा हूँ। एक मिनट, वो मेरा कसूर नहीं था, वो अचानक हादसा हो गया। अरे जो भी हो गया, अब तो आपको मरना ही पड़ेगा बाबा साहब। देखो बड़ी अच्छी जगह चुनी है आपने, अब खुद बताएं इस पत्थर से सर फोड़ू या सीधा सीधा धक्का दे दूं? मेरी बात सुनो। देखो अभी मेरे खेलने खाने के दिन है। देखो मैं अरे खेलने के दिन खत्म हुए, गेम ओवर हुई, अब आपका मरने का दिन आ गया है। कुछ लोगों का नाम लेती है ये, जुल्फी, जुल्फी का नाम लेती है ये बार बार। वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन चंद रोज पहले किसी ने उस पे फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। ये देख। ये? वो लड़की जिंदा है। What? मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, मगर वो जिंदा है और जुल्फी की बीवी है अभी तक।